हेलो इट्स एसएस टू रेड टू रॉक योर डे विद अ वीडियो एवरी टाइम एश हैज डाइड इन द एनीमे, यानी कि हर वो बार जब एश के चम मर गया था पोकेमॉन एनीमे में। तो स्टार्ट करते हैं विद नंबर वन। पोकेमॉन के पहले सीजन के एपिसोड में द टावर ऑफ टेरर, जिसमें एश जाता है अपने लिए घोस्ट पोकेमॉन पकड़ने ताकि वो सबरीना को हरा सके, तो लेवेंडर टावर में उसको गेंगार और हॉन्टर दिखते हैं। उन दोनों को पकड़ने के चक्कर में वो और पिकाचू ऊंचाई से गिर जाते हैं और उनके ऊपर झूमर गिर जाता है, जिससे उन्हें तगड़ा शॉक लगता है। वो उनके नीचे क्रश हो जाते हैं। तभी हॉन्टर आता है और उनके बॉडी से उनकी सोल निकाल लेता है। अब किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर से अगर उसकी आत्मा निकलती है तो इसका मतलब वो डेड है। नंबर टू, तो पोकेमॉन की पहली मूवी जो आई थी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में, उसमें म्यू और म्यूटू में एक घमासान युद्ध हो जाता है, जिसमें म्यूटू और म्यू दोनों ही अपनी तरफ से एक पावरफुल ब्लास्ट फायर करते हैं, जो कि अगर पड़ जाते तो बहुत बड़ी तबाही हो जाती है। इसलिए उसको बचाने के लिए हमारा हीरो एश केचम उसके बीच में आ जाता है और उन दोनों के कोलिजन की वजह से वो एक स्टोन में टर्न हो जाता है। लिटरली वो मर जाता है, मतलब अगर एक पत्थर का हो जाएगा कोई इंसान तो ऑब्वियसली वो बेजान हो जाएगा, उसमें जान नहीं बचेगी। हाँ, उसके बाद सारे पोकेमॉन के टीयर्स की वजह से वो वापस नॉर्मल हो जाता है, बट दैट वॉज अ मोमेंट वेन ही एक्चुअली डाइड। तो जो पोकेमॉन की मूवी आई थी लुकारी और द मिस्ट्री ऑफ म्यू, उसमें जो आखिरी में वो लोग ट्री ऑफ बिगनिंग में जाते हैं, उसमें एक ब्लॉब होता है जो कि ह्यूमंस को फाइट करने के लिए डिज़ाइन ऑफ होता है, वो एक्चुअली इन सबको खा लेता है, एश को ही नहीं बल्कि उसके सारे कंपेनियंस को भी। हाँ, बाद में वो लोग म्यू की वजह से रिवाइव हो जाते हैं, बट उनको ब्लॉब ने खा लिया था और एक्चुअली वो मर गए थे। नंबर फोर, पोकेमॉन की मूवी आई थी पोकेमॉन आई चूज यू, जिसमें एश को फाइनली पड़ जाती है बहुत भयंकर ब्लास्ट, जो कि बहुत सारे पोकेमॉन्स की तरफ से होता है, जिनको मार शेडो कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि उसको मार देता है। उसकी सोल एक काइंड ऑफ आफ्टर लाइफ में चली जाती है, मतलब वो ऑलमोस्ट मर ही गया होता है, ऑलमोस्ट क्या मर ही जाता है, उसकी सोल उठ के पता नहीं क्या स्वर्ग वर्ग में चली जाती है। और फाइनली उसको हो बचा लेता है, उसको वापस से रिवाइव कर देता है जब पिकाचू एक पोर्टल के थ्रू कूद जाता है ना उसको सेव करने के लिए। नंबर फाइव, पोकेमॉन रेंजर एंड टेम्पल ऑफ सी जो मूवी थी, उसमें एश अंडर वाटर कैसल को बचाने के लिए उसमें सी क्राउन रखने जाता है, पर क्योंकि वो कैसल ड्रॉन हो रहा होता है तो वो उसी में डूब जाता है और डूबने लगता है, डूबते डूबते मर जाता है, पर हाँ सी क्राउन की वजह से उसमें वापस से लाइफ आ जाती है। नंबर सिक्स, सबसे पहले तो क्लैपिंग कर दो कि कोई बंदा 6 बार मर के भी आज वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका है। तो फाइनली पोकेमॉन की मूवी विक्टनी की जो मूवी थी, जिसमें एश ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाता है, इतना ज़्यादा फ्रीज हो जाता है कि फ्रीज टू डेथ वाला फ्रीज हो जाता है। अब चाहे कितना भी कोई भी बंदा हो, स्पेस में कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, एश भी सरवाइव नहीं कर पाता है। आखिरी में विक्टनी बहुत ज़्यादा मैसिव हीट प्रोवाइड करती है, जिससे एश रिजरेक्ट हो जाता है, पर हाँ कुछ मोमेंट के लिए ही सही एश मर गया था। And that was the video. Pasand aayi ho to do like and subscribe and share it to your friends. Comment what should I improve. Bye.